जय हिंद दोस्तों, मैं एयरटेल कॉर्पोरेट मोहन रंजन चेन्नई से। दोस्तों ये वीडियो मैंने कल डाला था लेकिन इंटरनेट क्वालिटी पुअर था इसलिए इसको डिलीट कर दिया। मैं फिर से यही वीडियो जो है फिर बना रहा हूं। दोस्तों अभी हमने मेजर का देख लिया, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर तक हमने देखा। आज हम देखेंगे एक मेजर जनरल का, क्योंकि हमारा मेजर जनरल जो जवानों के लिए जो लड़ रहा है उनको क्या मिला ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। दोस्तों इससे पहले जो है ना, बेकार में कमेंट डालना बंद करो। अगर आपको मेरी जो बातों में अगर कोई भी डाउट है, आप सर्कुलर देख सकते हो, मैं सर्कुलर का जो हवाला का दे रहा हूं अभी, बिना मतलब ये गलत बता रहा है। वीडियो डालना बंद करो, ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं और सच्चाई बताते रहूंगा। दोस्तों 2016-15 में नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन आने के बाद उसमें कुछ शर्त रखे थे और वो शर्त जो है इनको मतलब एक्सेप्टेड नहीं था, जैसे कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट। दोस्तों जो रिटायरमेंट और डिस्चार्ज में क्या फर्क है ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑफिसर कभी डिस्चार्ज नहीं किया जाता है, रिटायरमेंट होता है ऑफिसर का, लेकिन जवान कभी रिटायर नहीं होता, जवान हमेशा डिस्चार्ज में जाता है। उसमें यह दिया था कि प्रीमैच्योर रिटायरमेंट के लिए आगे से ओआरओपी नहीं मिलेगा, इसके लिए इन लोगों ने बहुत हंगामा किया, फिर उसके बाद वो शर्त वापस ले लिया। आप लोगों को मालूम है कोर्ट में जब केस किया था सिर्फ सिपाही के बारे में बात किया था, ऑफिसर्स के बारे में कोई बात ही नहीं था। इसका वजह क्या है मैंने पहले भी बताया, उनको क्या मिला था। दोस्तों आप सर्कुलर 500 और सर्कुलर 555 टेबल नंबर 1 पेज नंबर 2 में अगर आप देखोगे, एक मेजर जनरल का जो है डिटेल्स दिया हुआ। सर्कुलर 500 के हिसाब से एक मेजर जनरल का जो है रिटायरमेंट पेंशन था 30,360 और सर्कुलर 555 के हिसाब से एक मेजर जनरल का रिटायरमेंट पेंशन है 38,763। कितने का फायदा मिला? 8,403 रुपए का। दोस्तों आप अगर परसेंटेज की तुलना में अगर आप इसको देखेंगे तो एक मेजर जनरल को मिला था 27.67 का फायदा हुआ परसेंटेज के हिसाब से, और एक सिपाही को क्या मिला 13.67। ये एक सिपाही को मिला, सॉरी 13.7। एक नायक को मिला है 8.65, हवलदार को मिला है 6.87, और एक नायब सूबेदार को मिला है 0.05, और एक सूबेदार साहब को मिला था 2.49, और एक सूबेदार मेजर को क्या मिला 6.19। दोस्तों कहीं भी जो है नजदीक तक भी नहीं पहुंचा,
एक मेजर जनरल के जो बढ़ोतरी हुआ उसके नजदीक में भी नहीं किया। हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह सार है, 6 साल के से 6 साल से ऊपर जो है जंतर मंतर में धरना दे रहा है, और उनके साथ जो भी हैं सूबेदार है, सूबेदार मेजर, नायब सूबेदार, सिपाही, हवलदार, सभी लोग हैं। उनमें से बहुत लोग हमारे वीडियो देखते हैं, आप क्यों नहीं पूछते उनसे, सर ये बंदा जो मद्रास से जो बात कर रहा है इसमें कहां तक सच्चाई है इसकी बात में, क्यों नहीं पूछते हैं? हमने पहले ही बताया कि जवानों के साथ अन्याय हुआ, जवानों के साथ नाइंसाफी हुआ वार ओपी वन में, और हमारे बात कोई नहीं सुनता है, क्योंकि है ना मैं कोई अफसर हूं या ना मैं कोई रैंक वाला हूं। दोस्तों सच्चाई जान लो, वन रैंक वन पेंशन 2015 में जब नोटिफिकेशन आया था और 2016 में जब टेबल निकला था, उसी टाइम मैं समझ गया कि हमारे साथ धोखा हुआ। सबसे पहली बात क्या है, जो जिंदा पेंशनर उनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं ना, कल से मैं बात करूंगा, कल एक वीडियो बनाऊंगा उन लोगों के लिए जो 2 साल सर्विस में शहीद हो जाते हैं ना, उनके साथ कितना बड़ा नाइंसाफी हुआ। जो सर्विस के दौरान कोई एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से सर्विस में जिनका मृत्यु हो गया, उस फैमिली पेंशन के साथ कितना अन्याय हुआ, इसके बारे में हम कल वीडियो बनाएंगे। दोस्तों एक मेजर जनरल का रिटायरमेंट एज है 58, तकरीबन वो अपनी पूरी जिंदगी सर्विस फिनिश करके बाहर आता है, और हमारे मेजर जनरल कहता है कि होशियारी कमेटी का हवाला हर जगह देता है, होशियारी कमेटी ने क्या बताया, होशियारी कमेटी ने ये बात बताया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस या बाकी अदर फोर्सेस के लिए वार ओपी लागू इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी पूरी जो सर्विस करके आते हैं, वार ओपी है जो कम सर्विस में जो बाहर निकलने वाला है उनके लिए। मेजर जनरल सतबीर सिंह सर, मुझे मालूम है ये वीडियो आप तक भी पहुंचता है, आप जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जवानों के साथ न्याय हुआ या नहीं हुआ? जो 54 इयर्स के बाद 54, 56, 58 साल की उम्र में पूरे सर्विस करके जितने लोग भी बाहर आए हैं उनको कितना मिला है फायदा, और जो 35 साल, 37 साल, 40 साल की उम्र में जो बाहर आए हैं उनको क्या मिला है वार ओपी वन में, और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधे में था? क्योंकि जब एक मेजर जनरल या ब्रिगेडियर जब रिटायर होता है 56 साल या 58 साल में, उनकी तो मतलब 90% घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे की शादी हो जाता है, लेकिन जो सिपाही नायक हवलदार जो है जो 40 साल की उम्र में जो बाहर निकलता है ना, उनके बच्चों का पढ़ाई का खर्चा, बच्चों के शादी का खर्चा, और बाकी बहुत सारे मतलब दूसरी नौकरी की तलाश, कितने मतलब उनके ऊपर बोझ था। लेकिन आप लोगों ने जो है एक लेटर जो रिलीज किया था वार ओपी से पहले, जिसको आपने यही लिखा था वार ओपी इन नंबर्स, जिसके बारे में कल मैं वो डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा, उसमें आप लोगों ने क्या बताया कि सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक कितनी बार रिवीजन हुआ पेंशन में और कितने परसेंटेज हुआ जो ऑफिसर्स को नहीं मिला, वो लेटर जो है मैं कल दिखाऊंगा। दोस्तों ये है ना जो डीजीएल चार्ट, इसको इस चार्ट को किसने रोका,
अगर डीजीएल चार्ट के अनुसार अगर हमें पेंशन मिलता है तो एक सिपाही का पेंशन जो है 1500 रुपए बढ़ता है, नायक का पेंशन 1500-1700 का बढ़ोतरी है, हवलदार का मतलब हर रैंक में, क्योंकि उसमें कोई ग्रुप नहीं था, सिर्फ उसमें रैंक था, क्वालिफाइंग सर्विस था। वो क्यों नहीं लागू हुआ, ये सवाल जो है आप लोग मेहरबानी करके उन लोगों से पूछिए जो मतलब पूरे एक साल टीवी डिबेट में आए थे ना, एक्स मतलब रिटायर्ड जनरल से लेके रिटायर्ड कर्नल तक, मेजर जनरल, कर्नल जनरल, एयरवेस मार्शल, एयर मार्शल, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, ब्रिगेडियर, कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया, टीवी डिबेट में आया, वार ओपी करके। आप उनसे पूछना कि ये चार्ट, डीजीएल चार्ट को किसने रोका है, ये लागू क्यों नहीं हुआ। दोस्तों कल फिर हम मिलेंगे जो मतलब वार ओपी नंबर्स का वो डॉक्यूमेंट के साथ, और हमारे जो है शहीद परिवार और जो सर्विस के दौरान जिन लोगों को डेथ हुआ है उनका जो है उनके साथ कितना नाइंसाफी हुआ, इसके बारे में कल हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जवान एकता, जिंदाबाद।